नई दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में खेले जा रहे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के आखिरी दिन भी भारतीय निशानेबाजों ने निराश किया। मिक्स टीम स्पर्धा में भी निशानेबाज कमाल नहीं दिखा पाए। अंजुम मुदगिल और रवि कुमार की जोड़ी ने 836.3 अंक के साथ सातवां स्थान हासिल किया। व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता अपूर्वी चंदेला और साथी दीपक कुमार को 831 के स्कोर के साथ 25वें स्थान पर रखा गया। हालांकि इसमें कोई ओलंपिक कोटा नहीं था। इस तरह वर्ल्ड कप में भारत ने पहले दो दिनों में सिर्फ 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंट है क्योंकि 0.2 से फाइनल मिस किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, हम लोगों ने मेहनत की, जितना अच्छा कर सकते थे उतना किया है, तो हाँ, लेकिन हाँ, खुद से नाखुश हैं थोड़ा। हाँ, इक्विपमेंट अच्छे हैं हमारे पास और नए हैं, हम इक्विपमेंट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। जितनी मेहनत हमने 2018 में की थी, हम उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो आई होप कि हमारा 2019-2018 से ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये इफ़ेक्ट तो करता ही है। आप एक महीना आउट ऑफ ट्रेनिंग, आउट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, आप सिर्फ बेड रेस्ट, तो ये इफ़ेक्ट करता है आपको। एक दो पॉइंट जितने मार्जिन से मैंने आउट ऑफ फाइनल हूँ दोनों कॉम्पिटिशन में, इतना तो इफ़ेक्ट करता है। और ये अच्छा है कि मैंने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया मेरी शूटिंग को, तो मैंने जल्दी रिकवर कर लिया, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हम और रिकवर करके वापस अपना पुराने जैसे आपने बोला कि 18 जैसा, तो हम वैसा जल्दी चलाना स्टार्ट कर देंगे। पॉजिटिव सबसे बड़ा ये है मेरे लिए पॉइंट कि मैं फिजिकल ट्रेनिंग गया, मैं आउट ऑफ ट्रेनिंग था, उसके बाद मैंने 10-12 दिन की ट्रेनिंग की और उसके बाद मैंने एक क्लोज कंपटीशन चलाया, तो मुझे पता चल गया कि मेरा अभी लेवल क्या है, कि मेरे ऐसे इतनी ख़राब कंडीशन थी जो मुझे पता है या कोच को पता है, उसके बाद ही हमने क्लोज कंपटीशन एक अच्छा कंपटीशन चलाया, तो हमें उम्मीद है कि हम आने वाले कुछ दिन में बिल्कुल फिट होके वापस एक अच्छा टफ ग्राउंड देंगे यहाँ पर शूटिंग में। उम्मीद करते हैं हम आप दोबारा से टीम में देखोगे हमें।